हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, अभी ये आप देखो मेरी गाड़ी में कितना फोग जो है वो अंदर जम गया। और ये मेनली प्रॉब्लम आती ही आती है, खास तौर से बरसात में जब बारिश वगैरह हो रही होती है, या आपकी सर्दियों में मेनली प्रॉब्लम आती है। आप देखो मेन विंड स्क्रीन पे जितना भी है, जो मेरी विंडशील्ड है इस पे, साइडों की जो ये विंडोज हैं इस पे, ये पूरी की पूरी जो है ये आपका फोग जम जाता है। और ये इतना प्रॉब्लम बनता है ना जब गाड़ी हम चलाते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। अब इसको समस्या ये आती है कि इसको हटाए कैसे। अब बारिश हो रही है तो आप जो विंडोज है उसको कैसे खोलोगे? थोड़ी थोड़ी भी खोलोगे बट वो क्या करता है कि इरिटेट करता है। बारिश की बूंदें आ गई या बाहर से शोर वगैरह आता है, कुछ भी आपको इतने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब इसको मेनली हटाएं कैसे? अब बार बार हाथ मारोगे तो प्रॉब्लम आएगी। अभी देखो क्या है, मेरी पूरी विंडशील्ड पे ना देखो पूरा ये फोग जमा हुआ है। और मैंने यहाँ पे हाथ मार के दिखाने के लिए आपको बताया है, आप थोड़ा सा क्लियर दिखा। मैंने यहाँ पे हाथ मार के, आप अपनी क्लियर कर ले। तो अब देखो ये हाथ मार के क्या होगा, ये पूरा स्पॉट्स बन गए। अब ये दिन में तो चलो आपको ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रात में चलाते हैं ना तो ये धीरे धीरे जो फिंगर्स के जो धब्बे वगैरह होते हैं ना ये इरिटेट करते हैं, और ये कभी जाते नहीं है। इसको तो फिर पूरा क्लीन करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर वगैरह से आपको हटाना पड़ेगा। तो अब इसको हटाए कैसे, इसको हटाने का क्या सोल्यूशन क्या है? देखो बहुत ही सिंपल तरीका है। शुरू में मेरे को भी ये बहुत दिक्कत परेशानियां आती थी, बट सब कुछ समाधान आपकी गाड़ी के अंदर ही है। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके जो क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह जो दिया हुआ है ना, मेनली हम क्या करते हैं, ये जो होता है ना हमारा यहाँ पे इस डायरेक्शन में होता है। मैं अगर मैनुअल की बात करूँ, ये अगर देखो फ्रंट में दिखा रहा है ना एरो, इसका मतलब क्या होता है, जो ये फ्लो होता है यहाँ से हमारा मेन फ्रंट में से ही आता है, राइट। अगर हमें इस विंडशील्ड पे से अपना फोग हटाना है तो एक ऑप्शन ये होता है कि यहाँ से ना, ये देखो ये वेंट्स दिए हुए हैं, यहां से प्रॉपर एयर का फ्लो आता है। अब ये एयर का फ्लो ऐसे पूरा टकरा के आता है तो ये क्लियर करता है। अगर हमको ये ऑप्शन अपना यहाँ पे इसको चालू करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप देखो बिल्कुल लास्ट में ना ये विंडशील्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको बिल्कुल ऐसे करके लास्ट में लिया, राइट। और आपको क्या करना है कि इसको जो है ना ये मिडिल में आप करके रखो, जो उसका टेम्परेचर है, या आप इसको कूल पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको देखो उसका प्रोसेस करके दिखाता हूँ। पहले मैं अपनी जो गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो देखो अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। अब आप देखना ये जो है ऑप्शन मैंने बिल्कुल लास्ट में किया हुआ है, यहाँ पे जो है ये लास्ट वाले में पूरा विंडशील्ड पे आएगा। अब आप खुद ये एक नोट करना कि ये कैसे जो है ना यहाँ से फ्लो आपका हटना शुरू हो जाएगा फोग का। अब देखो मैं ब्लोवर का ऑन करता हूँ। अब आप स्पीड अपने आप से मेंटेन कर सकते हैं कि आपको जल्दी हटाना है तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हो। देखो चार पॉइंट तक है, तो अगर दो या तीन, देखो अगर मैं फुल ब्लास्ट करता हूं ना, देखो तब कितने ज्यादा ये क्लियर होगा। देखो अब आप खुद देख लो, नीचे से देख रहे क्लियर होता हुआ, ये देखो नीचे से पूरा देखो, अभी कुछ नहीं दिख रहा था इसमें। देखा थोड़ा थोड़ा क्लीन हुआ, ये देखो कितनी जल्दी क्लीन होना शुरू हो गया। ये देखिए, और अब एक देखो कितना बढ़िया फायदा है, ये मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। ये जो आपका जो साइड पैनल होता है ना, विंडो का ग्लास एरिया, ये यहाँ से अभी इस टाइम इतनी जोर से हवा आ रही है ना, ये पूरा का पूरा क्लीन कर रहा है। देखो आप खुद देखो पहले कितना ज्यादा इफेक्ट था और अब कितना ज्यादा इफेक्टिव हो गया। देखो भाई पर हटा, ये देखो यहाँ से इतना ज्यादा फ्लो आ रहा है और वहां से भी आपका पूरा जो है ये पैनल जो है ये बिल्कुल सही कर रहा है। अभी इवन मेरी आवाज भी पता नहीं आपको आ रही होगी नहीं आ रही होगी ठीक से, ये देखो अब इतना ज्यादा ये हो चुका है कि हमको बाहर का दिखने लग गया है, राइट। तो अगर हम इसको अब बिल्कुल, अब क्या करो, इसको जब आप गाड़ी चला रहे हो ना तो एक नंबर पे करके चलो, एक नंबर बहुत मोर देन इनफ है। और जब थोड़ा सा टाइम ये लेगा, पूरा का पूरा क्या होगा, ये क्लीन होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये एक छोटा सा मेथड है, अगर आपकी विंडशील्ड पे या साइड में आपकी जो विंडो पे है वो जम गया, तो प्लीज इमरजेंसी है ठीक है, थोड़ा लग रहा है तो हाथ मार के कर दो, बट ये आप हाथ वगैरह मत लगाओ इस पे, क्या होता है फिर स्पॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, फिर ये खामा खाई रात को जो होता है ना हमें फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और वो जो स्पॉट्स होते हैं ना फिंगर के वो दिखने लग जाते हैं, राइट। तो ये मुझे लगा कि जब मैं अभी गाड़ी में आके बैठा ना, एकदम गाड़ी खड़ी थी बारिश में, तो ये समस्या मैं बहुत टाइम से बनाना चाह रहा था इसके ऊपर वीडियो। मैंने कहा कि जब मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है तो कितना लोगों को प्रॉब्लम आती होगी, मे भी बहुत सारे लोगों को आज की डेट में पता भी है ये सब चीजें, बट कहीं है कि
हमारे जैसे स्टार्टिंग में जिनको नहीं पता होता तो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं अपना, तो आप देखो कितना ज्यादा क्लियर हो गया बात करते करते, राइट। तो होप अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।